असलम गाइज मारे में शायन खान आई होप यू गाइज़ आर डूइंग गुड अच्छा आज की वीडियो से हम लोग टूल्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे uh, क्योंकि फोटोशॉप में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं तो आगे की हमारे पास पाँच छः वीडियोज़ जो होंगी उनमें हम लोग टूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग मूव टूल के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा मार्की टूल के बारे में बात करेंगे सो या लेट्स जम्प इन टू फोटोशॉप ओ गाय सो वी आर इन फोड शॉप एंड दिस इज़ अवर एग्ज़ाम्पल इमेज मतलब कि आज हम लोग जो अपने टूल्स हैं मूव टूल और मार्कि टूल जिसको हम लोग सीखने वाले हैं तो वो हम लोग इस इमेज पर अप्प्लाई करेंगे सो लेट्स टेक अ मूव टूल जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा मूव टूल का जो पर्पज़ है आपके पास वो ये है कि वो आपकी लेयर्स को मूव करता है कैसे वो मैं आपको बताता हूँ लेट्स ए ये हमारे पास सारी लेयर्स हैं और ये जो बर्ड 2021 जो मेरे पास लेयर है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस लेयर और यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ तो ये जो बर्ड 21 की जो लेयर है आ, ये जो है दो मूव होगी सिमिलरली आप किसी भी लेयर पे क्लिक करके उसको आप मूव कर सकते हो एंड दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मूव टूल तो लेट्स सी इट्स सेटिंग्स ये हमारे पास ऊपर सारी मूव टूल की सेटिंग्स हैं इनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास है ऑटो सेलेक्ट ठीक है नॉर्मली इसको मैं अनचेक रखता हूं बट पर्पस मैं बता देता हूं कि ऑटो सेलेक्ट का आपके पास पर्पस क्या है अगर आप ऑटो सेलेक्ट को चेक कर लेते हो यहाँ से लेट से मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो इफ़ यू चेक ऑटो लेयर तो आपको यहाँ पर लेयर्स पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब यू कैन सिम्पली इन लेयर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यू कैन सिंपली कम हेयर यहाँ पे लेट्स से मैं इस लेयर को ये जो uh, जोट्सा भी लेयर है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन इट और इसको फिर मैं मूव कर सकता हूँ जहाँ पर चाहूँ सिमिलरली अगर मैं इस लेयर को मूव करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ मतलब यू मस्ट भी थिंकिंग कैन कि दिस मेक्स योर लाइफ अलाट ईजियर क्योंकि आपको यहाँ पे जो है तो लेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली जो है तो यहाँ से लेयर को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो बट द ओनली रीज़न वाई आई डोंट प्रेफर दिस इज़ बिकॉज फोटोशॉप में जो आपके पास लेयर्स होती हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं ठीक है तो अगर आप एक लेयर को मूव करना चाहते हो और लेट से आपने उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट लेयर्स रखी हुई हैं तो वो उन एडजस्टमेंट लेयर्स को मूव करने की कोशिश करेगा ठीक है वैसे एडजस्टमेंट लेयर्स को आप मूव नहीं कर सकते उसके ऊपर जो जितनी लेयर्स हैं उनको मूव करने की कोशिश करेगा तो या दैट इज़ वाई आई डोंट प्रेफर टू यूज़ ऑटो सेलेक्ट आई विल ऑलवेज़ प्रेफर कि आप यहाँ से अपनी लेयर्स को चूज़ करो फिर आप अपनी लेयर्स को मूव कर सकते हो ठीक है सो या लेट्स अन चेक इट फॉर नाउ उसके अलावा ये आपके पास लेयर है मतलब अगर आप ऑटो uh, सेलेक्ट को अगर आप चेक रखो तो आप एज अ होल ग्रुप को भी मूव कर सकते हो और एज अ लेयर को भी आप मूव कर सकते हो तो सिंस वी हैव अनचेक्ड तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है उसके अलावा हमारे पास है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा दिस इज़ बेसिकली अवर ट्रांसफार्म टूल दिस इज़ अ सेपरेट टूल तो बट मूव टूल में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस टूल को भी इसमें ऑन रख सकते हो बट आई विल नॉट प्रेफर दैट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ट्रांसफॉर्म टूल को मैं सेपरेटली यूज़ करूँ और वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे थोड़ी देर में अच्छा उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो आपके पास सारे अलाइनमेंट टूल्स हैं दे आर वेरी कूल और ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए जो है तो मतलब इट्स वेरी यूज़फुल लेट मी शो यू हाउ अलाइनमेंट टूल्स वर्कस सो लेट्स मेक न्यू लेयर्स, ठीक है लेट्स मेक अ रेक्टैंगल और इसको मैं कलर देता हूं लेट्स से आई वॉन्ट टू मेक इट ब्लू सॉरी टू मेक इट ब्लू ठीक है और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ठीक है लेट्स मेक अनदर लेयर एंड लेट्स मेक अ सर्कल और इसको मैं कलर देता हूँ लेट्स बिटवीन क्रीम ठीक है तो अलाइनमेंट जो आपके पास टूल्स हैं वो अगर आप एक लेयर पे यूज़ कर रहे हो तो ये टूल्स आपको ऑफ मिलेंगी मतलब इन टूल्स पे आप क्लिक नहीं कर सकते लेट्स से आई वांट टू अप्लाई माई अलाइनमेंट टूल्स ऑन सर्कल लेयर तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जो टूल्स हैं ये आपको ऑफ मिलेंगी बात अब दो लेयर्स को एक साथ होल्ड करने के लिए आपको कमांड होल्ड करना पड़ेगा अगर आप पी यूज़र हैं तो आपको आल्ट होल्ड uh, करना होगा सिंस आई एम मैक यूज़र तो आई विल होल्ड कमांड एंड इन दोनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो जैसे ही आप दो लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट टूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे तो लेट्स वर्क ऑन आवर अलाइनमेंट टूल्स तो सबसे पहले आपके पास ये जो है इससे क्या होगा कि मतलब आपकी जो दो दोनों लेयर्स हैं वो टॉप पे आ, बिल्कुल कम्प्लीटली अलाइन हो जाएंगी अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ हम लोग देखें तो ये परफेक्टली यहाँ पर आपको अलाइन मिलेंगी उसके अलावा अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ तो ये आपको मिडल में आपके पास आ जाएंगे उसके अलावा आप इसको नीचे भी परफेक्टली uh, अलाइन कर सकते हो ठीक है बिल्कुल ऑन द लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हो uh, बिल्कुल बॉटम पे भी इसको अलाइन कर सकते हो और राइट uh, साइड right पे भी अलाइन कर सकते हो लेट्स से आई वांट टू ब्रिंग इट इन द मिडल तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़ सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे तो ये आपके पास परफेक्टली मिडल में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है उसके अलावा ये जो अलाइनमेंट टूल्स हैं दैट डजेंट वर्क ऑन टू लेयर्स उसके लिए आपको तीसरा एक लेयर बनाना होगा लेट्स uh, से मैं एक सर्कल लेयर को कॉपी करता हूँ ठीक है एंड लेट्स गिव इट सम अदर कलर लेट्स आई वांट टू गिव इट येलो ठीक है तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेके कर आऊँ और अभी अगर इन तीनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लूँ तो आपके पास ये जो फर्दर अलाइनमेंट टूल्स हैं ये भी आपके पास एक्टिव हो जाएंगे तो इन पर भी मैं अभी काम कर सकता हूँ सो दीज़ आर योर अलाइनमेंट टूल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल जो आर्टिस्ट हैं हमारे पास और उसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए आ, दिस इज़ वेरी यूज़फुल उसके अलावा इफ़ आई वॉन्ट टू अलाइन माई रेक्टेंगल लेयर परफेक्टली इन द मिडल तो वट आई विल डू के uh, मैं जो अपनी जो दोनों लेयर्स हैं सर्कल लेयर्स हैं उनको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं परफेक्टली इन द मिडल या लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर या इन द बॉटम मैं परफेक्टली अलाइन करूँ तो वट आई विल डू के आई विल सेलेक्ट माई ओवरऑल फाइल सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई विल प्रेस कमांड ए अगर आप पी सी यूज़र हैं तो कंट्रोल ए से आप ये कर सकते हैं तो आपके पास अलाइनमेंट जो टूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे तो अभी जो रेक्टेंगल लेयर uh, है उसको मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ ऑन टॉप ऑन बॉटम उसके अलावा मिडल में तो ये आपके पास परफेक्टली बैलेंस होगी इन द मिडल ओके गाइस सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद द मूव टूल नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्की टूल ओके गाइस सो दिस इज योर मार्की टूल लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टेंगुलर मार्कि टूल फर्स्ट तो आप अगर यहाँ पर राइट क्लिक करें तो मार्की टूल्स से रिलेटेड आपके पास जितने भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर uh, नज़र आने लग जाएंगे तो लेट्स सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर मार्की बेसिकली आपके पास फोटोशॉप में जितने भी सेलेक्शन uh, के टूल्स हैं सेलेक्शन का बेसिकली आपके पास मकसद ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया को अपनी इमेज में सेलेक्ट करके उस पर आप सेटिंग कर सको तो लेट मी शो यू हाउ द मार्की टूल वर्क्स। लेट्स से आई वांट टू सेलेक्ट दिस एरिया ठीक है तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है अब इस एरिया में मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ लेट्स मेक अ न्यू लेयर ठीक है और मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं पेंट करूँ ठीक है तो ये जो एरिया है इसको मैंने अपने आ, जो रेक्टेंगल मार्किंग टूल है उसके साथ मैंने इसको पेंट कर लिया है वी कैन डू अनदर थिंग एज वेल ठीक है लेट्स गो बैक विथ कंट्रोल सी इस सिलेक्शन को मैं इन्वर्ट भी कर सकता हूँ मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जगह मेरे पास सेलेक्ट ना हो और इसकी जो बाहर वाली जगह है इस जगह को छोड़ के जो बाहर वाली जितनी भी जगह है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई विल गो टू सेलेक्ट एंड आई विल प्रेस इन्वर्स ठीक है तो आप अगर इनवर्स प्रेस करोगे तो इस जगह को छोड़ के जो बाहर की आपकी जितनी भी जगह है मतलब जो बॉर्डर है उसको इसने सेलेक्ट कर लिया है तो नाउ आई कैन डू द सेम थिंग पेंट बकेट टूल से अगर मैं इस पर थ्रो करूँ तो ये जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके अलावा आप अपनी सेलेक्शंस में ऐड भी कर सकते हो फर्दर सेलेक्शंस और उसके अलावा सब्ट्रैक भी कर सकते हो लेट मी शो यू हैव यू डू दैट लेट्स मेक अ सिलेक्शन ठीक है और मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं फ़र्दर सिलेक्शन्स को ऐड करूँ तो आई विल सिंपली प्रेस माई शिफ्ट की ठीक है जब शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे तो आपको आपके पास यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा तो इसमें अगर मैं दोबारा से एक बॉक्स बनाऊँ ठीक है तो ये जो बॉक्स uh, अभी मैंने बनाया है तो ये मेरी जो सिलेक्शन है उसके साथ एडअप हो जाएगा सिमिलरली आई कैन मेक अदर बॉक्सेस इज वेल ठीक है तो आप अपनी मर्जी से इसमें डिफरेंट शेप्स बना सकते हो उसके अलावा वी कैन सब्ट्रैक्ट एज़ वेल अगर आप जो है तो पी सी यूज़र्स हैं तो आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको ऑप्शन प्रेस करना होगा तो आपके पास यहाँ पे आ, अपने जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है वो उसके साथ आपके पास एक माइनस का साइन बन जाएगा अभी अगर इसको मैं करूँ तो आई कैन सब ट्रैक दिस ठीक है तो जहाँ जहाँ पे मैं ब्लॉग्स बनाता जाऊँगा वो वो जगह आपके पास सब ट्रैक्ट होती जाएगी सो लेट्स टॉक अबाउट द सेटिंग से अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है uh, मतलब जो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हैं uh, उसके अलावा आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो लेट्स ये जो है आपके पास इसमें आप एडअप कर सकते हो अगर ये आप प्रेस करो तो आपको शिफ्ट की होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहाँ से इसमें जितना चाहो एडअप तो कर सकते हो ठीक है उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं प्रेस करूँ तो सब के साथ आप सब कर सकते हो ठीक है सिमिलरली आई कैन गो बैक टू माई नॉर्मल सिलेक्शन ठीक है उसके अलावा अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आपके पास फैदर का ऑप्शन है विच इज़ वेरी यूजफुल बहुत काम का आपके पास ऑप्शन है नॉर्मली ये आपके पास ज़ीरो पिक्सल्स पे होगी। जीरो पिक्सल्स का मतलब आपके पास ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड एच हार्ड एच का मतलब लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ठीक है लेट से आई वॉन्ट टू फिल दिस एरिया विथ वाइट ठीक है तो इसमें मैं वाइट पेंट बकेट जब थ्रो करूँगा तो ये सारी जो एरिया है ये आपके पास वाइट uh, से फिल हो जाएगी अभी अगर इस एरिया को मैं जूम करूँ तो आप अगर अपनी जो एजेस देखें तो ये कम्प्लीटली शार्प होंगी और हार्ड एजेस होंगी लेट्स आई वॉन्ट कि ये जो बॉर्डर्स हैं इनको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ तो वट आई विल डू एज़ लेट मी गो बैक ठीक है और मार्की टूल को सेलेक्ट करके लेट्स से मैं करता हूँ टेन पिक्सल्स जो फैदरिंग है उसको मैं टेन पिक्सल्स करता हूँ अभी अगर मार्की uh, टूल को मैं यूज़ करूँ और इसके अंदर जो है तो मैं वाइट बकेट थ्रो करूँ और इसके मैं आपको बॉर्डर्स बताऊँ तो दीज आर सॉफ्ट नाव ठीक है ये आपके पास हार्ड एजेस नहीं होंगी सिमिलरली आप इसको और भी स्मूथ uh, कर सकते हो और भी फैदर को आप और भी बढ़ा सकते हो सो या दिस इज़ हाउ फेदरिंग वर् ओके गाइज तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफार्मूल नाउ जो कि आपके पास स्मूव टूल में ऑलरेडी अवेलेबल है बट मैं आपको बताऊँगा कि आप सेपरेटली ट्रांसफार्मूल को कैसे यूज कर सकते हो सो इन ऑर्डर टू यूज अवर ट्रांसफॉर्म टूल ठीक है लेट मी मेक एन एग्जाम्पल लेट्स मेक अ न्यू लेर ठीक है और लेट्स मेक अ रेक्टेंगल अगेन ठीक है And let's give it a color yellow maybe ठीक है ये यहाँ पर जो है तो मैंने ऑलरेडी फैदर जो है तो 9.8 पॉइंट एट रखा हुआ है इसलिए मेरी जो एजेस हैं वो आपको फैदर नजर आएँगे विट डजेंट मैटर सो इन ऑर्डर टू यूज़ माई टूल आई विल गो टू एडिट और एडिट से जो है तो आई विल सेलेक्ट फ्री ट्रांसफॉर्म तो ये आपके पास बॉर्डर्स का एक ब्लॉक बन जाएगा इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की भी है आप कमांड टी से डायरेक्टली जो है तो ट्रांसफॉर्म टूल को ला सकते हो आपको एडिट में और मतलब यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो कमांड टी अगर आप पीसी यूज़र्स हैं तो आपको कंट्रोल टी प्रेस करना होगा सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेटिंग्स सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें तो आ, ये आपको कुछ डॉट्स नजर आएंगे तो दिस इज़ बेसिकली द अलाइनमेंट ऑफ दिस बॉक्स अगर मैं यहाँ पे इस ये जो डॉट है इसको अगर मैं मूव करूँ इसको मैं राइट right पे ले आऊँ तो ये जो डॉट है ये आपके पास राइट में चला जाएगा मतलब कि अगर मैं इस रेक्टेंगल टूल को मैं मूव करूँ तो ये इस डॉट के सर्कल में मूव करेगा सिमिलरली अगर मैं इसको टॉप राइट कॉर्नर पे करूँ तो अभी मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ सिमिलरली आप इस डॉट को बाहर भी कर सकते हो लेट्स से मैं आ, जो है तो इस डॉट को फेस पे ले आता हूँ ठीक है तो अभी अगर आप अपने ब्लॉक को मूव करोगे ट्रांसफॉर्म से तो ये इस फेस के सर्कल में आ रहा होगा ठीक है सो या लेट्स ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज़ योर वाई एक्सेस अगर वाई एक्सेस को मैं मूव करूँ तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ये वाई एक्सेस पे मूव करेगा ठीक है उसके अलावा आप इसको एक्स एक्सेस पे भी मूव कर सकते हो ठीक है उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो आप इसकी वेथ को बढ़ा सकते हो उसके अलावा इसकी हाइट को भी आप बढ़ा सकते हो ये मिडल में आपको एक चेन नज़र आएगी अगर इस चेन को मैं क्लिक करूँ और फिर मैं विथ को बढ़ाना चाहूँ तो मेरी जो विथ है और हाइट है वो एक साथ ट्रांसफॉर्म होगी ठीक है उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एंगल है आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो ठीक है और ये आपके पास शेयर के ऑप्शंस हैं हॉरिजेंटली आप इसको शेयर कर सकते हो उसके अलावा वर्टिकली भी आप इसको शेयर कर सकते हो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये जो है ये आपके पास वॉर्प टूल है वॉर्प टूल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप इसको आर्क शेप दे सकते हो ठीक है उसके अलावा आर्च दे सकते हो बल्ज आप दे सकते हो तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं वॉप uh, टूल में जो कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हो उसके अलावा आपके पास यहाँ पर कस्टम भी है तो कस्टम से जो है तो आप जैसे चाहो इसको आप शेप दे सकते हो दिस इज़ वेरी कूल आगे चल के जब हम लोग पिक्चर्स uh, पे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग पिक्चर्स में रैप टूल को यूज़ करते हैं अच्छा अगर टूल के अंदर अगर आप राइट right क्लिक करो तो आपको फ़र्दर ऑप्शंस भी मिलेंगी लेट्स क्लिक राइट और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास स्केल का ऑप्शन है रोटेट का ऑप्शन है स्क्यू है डिस्टॉट है प्रस्पेक्टिव है रैप है तो ये जो आपकी आपकी जो लेयर है आप उसको डिफरेंट पोजीशंस um, में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो uh, इसमें आपके पास द सेम रैप जो आपके पास जो ऑप्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया है वो भी है उसके अलावा प्रस्पेक्टिव है प्रस्पेक्टिव का डिफरेंट पर्पस है डिस्टॉट का आपके पास डिफरेंट पर्पस है स्क्यू है रोटेट है और उसके अलावा स्केल है उसके अलावा आप फ्लिप भी कर सकते हो हॉरिजॉन्टली इसको फ़्लिप कर सकते हो वर्टिकली इसको फ़्लिप कर सकते हो सिंस इट्स अ ब्लॉक तो इसमें आपको सही पता नहीं लग रहा होगा बट अगर ये कोई इमेज होती तो आप जो है तो उसको देख सकते हैं ठीक है लेट्स शो यू एन एग्जाम्पल लेट मी डिलीट माई रेक्टेंगल लेयर ठीक है लेट्स ये जो आ, लेयर है इसको मैं फ़्लिप करना चाहता हूँ तो आई विल सिंपली प्रेस कमांड टी और यहाँ पे अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँ ठीक है तो ये आपके पास आपकी जो इमेज है ये फ्लिप हो जाएगी सिमिलरली इसको मैं वर्टिकली भी फ्लिप कर सकता हूँ सो या लेट्स स्प्रिंग इट बैक ओ गाइस सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद द सेटिंग्स लेट मी शो यू द शॉर्टकट कीज कि कैसे आप शॉर्टकट कीस से uh, अपने ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर सकते हो अब अगर यहाँ पे मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे आने की बजाय यहाँ से मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ लेट्स से मैं यहाँ से प्रेस करूँ तो इसकी जो हाइट है वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ और उसके अलावा इसकी जो विथ है उसको भी मैं ज़्यादा कर सकता हूँ अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो आप जो है तो हाइट और वर्थ को एक ही तरह से मूव कर सकते हो ठीक है आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो उसके अलावा अगर मैं शिफ्ट और ऑप्शन को एक साथ प्रेस करूँ तो ये इन द मिडल ही ट्रांसफॉर्म होगा मतलब ये इधर उधर नहीं जाएगा आपसे ओके गाइस सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद द ट्रांसफॉर्म टूल ट्रांसफॉर्म टूल आपके पास बहुत ही पावरफुल टूल है इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे जो हम लोग इमेजेस पे काम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर सकते हो तो आज हमने बात की अबाउट द मूव टूल ठीक है और उसके अलावा हमने बात की अबाउट मार्की टूल इनशाला इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लेसो टूल और उसके अलावा क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो या आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय